देखो, आज से अपन कक्षा 11वीं की केमिस्ट्री, क्लास 11 की केमिस्ट्री का अध्याय 11 शुरू कर रहे हैं, है ना। शिवलाल की बुक से पढ़ा रहा हूँ मैं आप लोग को, है ना। और बाकी जिन लोग के पास जो कुछ भी बुक होगी उनसे पढ़ सकते हैं, है ना। शिवलाल की बुक में अध्याय 11 दिया है, पी ब्लॉक के तद्व, यह समूह 13 के तद्व, है ना। आपकी 11वीं क्लास में आपको समूह 13 पढ़ना है और समूह 14 पढ़ना है ना। तो सबसे पहले हम समूह 13 के तत्व पढ़ेंगे, पी ब्लॉक में समूह 13 के तत्व। अब समूह 13 क्या होता है, उसके लिए हम सबसे पहले कहाँ चलेंगे, आवर्त सारणी में चलेंगे। ये हो गया आपकी आवर्त सारणी, ये क्या हो गया, आवर्त सारणी हो गई, क्लियर। इसमें समूह 13 कौन सा होता है, देखो यहाँ समझो, समूह 13 कौन सा होता है। ये पहली लाइन दिख रही है आपको, ये आपकी समूह 1 हो गई, ये समूह 2 हो गया, ये समूह 3, समूह 4, समूह 5, समूह 6, समूह 7, समूह 8, समूह 9, समूह 10, समूह 11, समूह 12 और ये समूह 13। इन तत्वों का अध्ययन करेंगे, एक एक तत्व के बारे में बारीकी जानेंगे। यहां से पी ब्लॉक शुरू होता है। आप 11वीं क्लास में समूह 13 के बारे में पढ़ोगे और समूह 14 के बारे में पढ़ोगे, है ना। और 12वीं क्लास में आप लास्ट के चार समूह बाद 12वीं क्लास में पढ़ोगे। अभी पढ़ा रहा हूँ, है ना, 12वीं क्लास में ये समूह पढ़ा रहा हूँ, समूह 13 ये पढ़ा रहा हूँ ना। तो अभी अपन सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं, समूह 13 के बारे में पढ़ रहे हैं। अपन किसके बारे में पढ़ेंगे, बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, है ना, टेलियम, थेलियम, और ये क्या है तुम्हारा, नाइथोनियम। इन तत्वों के बारे में अपन क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे। ये तत्वों के किसी गुण के बारे में पढ़ेंगे और डेप्थ में पढ़ेंगे इस अध्याय में, है ना। ये वाले तत्व के बारे में हम पढ़ेंगे बारीकी के साथ। सबसे पहले क्वेश्चन देखो, क्या क्या पढ़, सबसे पहले क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन कॉपी में नोट करो, सभी लोग को नोट करना है। एक क्वेश्चन लिखो कि पी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं, पी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं, पी ब्लॉक के समूह 13, पी ब्लॉक के समूह 13 के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए और भौतिक गुणों में क्रमिक परिवर्तन बताइए, और भौतिक गुणों में क्रमिक परिवर्तन बताइए। हाँ, जितना मैं आप तुमको बुक में समझा रहा हूं तो तुमको लिखना भी है ना। समूह 13 के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए और भौतिक गुणों में क्रमिक परिवर्तन बताइए, और भौतिक गुणों में क्रमिक परिवर्तन बताइए। भौतिक गुणों में कौन कौन सा क्रमिक परिवर्तन होता है, इनके भौतिक गुणों में क्रमिक परिवर्तन बताइए, है ना। तो सबसे पहले सामान्य परिचय, सामान्य परिचय कि क्या होते हैं पी ब्लॉक के तत्व। देखो सामान्य परिचय, पी ब्लॉक के तत्वों के परमाणु अपना अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में रखते हैं। पी ब्लॉक के जितने भी तत्व होते हैं, ये होते पी ब्लॉक के तत्व, दिख रहे हैं आपको, ये पी ब्लॉक के तत्व जितने भी होते हैं ये सब अपना अंतिम इलेक्ट्रॉन पी का उपकोष, पी उपकोष, पी उपकोष, पी उपकोष, पी उपकोष में रखते हैं। और बोरान में भी, बोरान का परमाणु क्रमांक 5 होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन भरोगे, 1s2, 2s2, 2p1, क्लियर। पी वन में जा रहा है, 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 पी वन में, पी वन में जा रहा है, सिर्फ पी के वन में जा रहा है, इसलिए सब एक ही लाइन में होते हैं, है ना, क्लियर। कहाँ पे होते, एक ही लाइन में होते हैं, कहाँ पे होते हैं, एक ही लाइन में होते हैं, एक ही लाइन में होते हैं। ये पी ब्लॉक होता है, ये पी ब्लॉक यहाँ शुरू होता है, पी ब्लॉक यहाँ से सबके इलेक्ट्रॉन पी वन में जा रहा है। पी में 6 खाने होते हैं, कितने खाने होते हैं, 6 खाने होते हैं, 3 खाने होते हैं, एक खाने में इलेक्ट्रॉन जाता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन पी वन में जा रहा है उसको यहाँ पे रख दिया, जिसमें इलेक्ट्रॉन पी टू में जा रहा है उसको यहाँ रख दिया, जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी थ्री में जा रहा है उसको यहाँ रख दिए, जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी फोर में जा रहा है उसको यहाँ रख दिए, जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी फाइव
फाइव में जा रहा है उसको यहाँ रख दी, जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी सिक्स में जा रहा है उसको यहाँ पे रख दिए। पी ब्लॉक में जो होता है अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाते हैं, पी वन में जाते हैं, जाते पी वन में, पी उपकोष में प्रवेश करते हैं। ये लिखा है इसमें पी इलेक्ट्रॉन है ना, पी उपकोष में करते हैं प्रवेश करते हैं। इस प्रकार 18वें समूह के तत्व भी पी ब्लॉक के तत्व होते हैं। जो 18वां समूह होता है, 18वां समूह पी ब्लॉक होता है। जो 18वां समूह होता है उसको हम आखिरी गैस जरूर बोलते हैं। 18वां समूह मतलब जे वाला समूह, 18वां समूह है ना, इसको आखिरी गैस बोलते हैं हम। लेकिन ये पी ब्लॉक में आता है क्योंकि उसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन पी सिक्स होता है। क्लियर, क्या होता है पी सिक्स होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरोग क्या होता है इसका, पी सिक्स होता है। आनंद इसलिए ये भी होता है, जैसा होता है। तो ये क्या होगा आपके पी ब्लॉक के तत्व है ना, होता है। अतः पी ब्लॉक के तत्वों में समूह 13 से समूह 17 तक के तत्व माने जाते हैं। यहां से लेकर यहां तक आपको लिखना है कॉपी में, कॉपी में यहां से लेकर यहां तक क्वेश्चन का उत्तर आपको यहां से लेकर यहां तक नोट करके लिखना है। अब अगली हेडिंग डालेंगे हम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसी क्वेश्चन के उत्तर में ना, क्या डालेंगे अगली हेडिंग, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, इन तत्वों के परमाणु का अंतिम इलेक्ट्रॉन, मैंने बताया था आप लोग को सभी के परमाणु का अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां प्रवेश करता है, पी कक्षक में होता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन के वितरण के आधार पर ही एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में तत्वों को क्या किया गया है, बांटा गया है। क्लियर, क्या किया गया है, बांटा गया है ना। पी ब्लॉक में क्या होता है, सभी का अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां प्रवेश करता है, पी उपकोष में, पी कक्षक में प्रवेश करता है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, यह ना इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। इस समूह अर्थात बोरान के कुल सभी तत्वों की संयोजी कोष में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए जो हमारा जो समूह 13 है, समूह 13 सबके संयोजी कोष में 3 इलेक्ट्रॉन, संयोजी कोष मतलब सबसे बाहरी कोष, इसका बाहरी कोष 2 नंबर का है, कितने इलेक्ट्रॉन होगा, 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन। इसका बाहरी कोष 3 नंबर का है, 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन। इसका बाहरी कोष 4 नंबर का है ना, 4 नंबर का है, इसमें भी 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन। इसका बाहरी कोष 5 नंबर का है, 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन। इसका बाहरी कोष 6 नंबर का है, 2 और 1 कितने इलेक्ट्रॉन होगा, 3 इलेक्ट्रॉन। सबकी बाहरी संयुक्त कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनके बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इन तत्वों का सामान्य कोष इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 NP1 होता है। इनका सामान्य कोष इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, NH2 NP1 होता है। क्या होता है, NH2 NP1 होता है। NH2 NP1 होता है। क्या होता है, NH2 NP1 होता है। अतः ये तत्व आवर्त सारणी के पी ब्लॉक में आते हैं। ये सारे के सारे तत्व काय में आते हैं, आवर्त सारणी के पी ब्लॉक में आते हैं। इस समूह के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सारणी में दिए गए। अब इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लो आप लोग, जे इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिए गए हैं। जे होते इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन कौन से होते हैं, बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। कौन कौन से, बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। बोरान, एल्यूमिनियम, बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। बोरान को बी से प्रदर्शित करते हैं, ये सारणी बनाना है ना, ये सारणी बनाना है। कॉपी में हाथ से लेके यहाँ तक नोट करना है, नोट्स में है ना, खुद हाथ से लिखना है, स्क्रीन शॉट लेके नहीं रखना है ना। तुम लोग को भी इसको निशान लगा के रखना है, हाथ से लिखना है। हाथ से लेके रखोगे, लिखोगे तो क्या होगा, उसमें तुमको फायदा होगा, याद अच्छा रहेगा। वो कॉपी में लिखना है हाथ से। देखो बोरान को होता है 5, 5 में 18 जोड़ दो, 5 में 8 जोड़ दो, हो गया 13, 13 में फिर कितने जोड़ दो, 8 जोड़ दो, 31 हो गया, फिर 18 जोड़ दो, फिर 18 जोड़ दो, अरे 18 जोड़ेंगे 13 में 8, 13 में कितने जोड़े हमने, 8। रुको रुको दो मिनट, देखो जे तुम्हारा सबसे पहले बोरान है, बोरान में जोड़े 8, 5 में 8 जोड़े आया 13, फिर 13 में फिर क्या जोड़े तुमने,
18 जोड़े, कितने जोड़े तुमने? 18, तो कितना है 31। फिर 31 में कितने जोड़े तुमने? 18। कितना है तुम्हारा? 49। फिर 49 में कितने जोड़े तुमने? 32। तो कितना आया? 81। आया 81, तो क्या जोड़ना है? 8, 18, 18, 32 जोड़ना है। क्लियर? तो तुम्हारे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तुमको अगला वाला प्राप्त होते जाएगा। ठीक, बोरान का कितना होता है परमाणु क्रमांक? 5 होता है। एल्यूमिनियम कितना होता है? 13 होता है। गैलियम कितना होता है? 31 होता है। इंडियम कितना होता है? 49। और थेलियम कितना होता है? 81। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखोगे? 5 है, 1s2 2s2 2p1। एल्यूमिनियम का 13 है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको इस प्रकार से करते आना है, भरते जाना है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला मैंने पहले पढ़ा चुका हूँ, यूट्यूब पर वीडियो डाल चुका है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने वाला है ना, ये लिखना है पूरा। अगला देखो यहाँ पर, इन तत्वों के भौतिक गुणों में क्रमशः क्या परिवर्तन होते हैं? जब आप इसमें ऊपर से नीचे आओगे तो उसमें कौन कौन से परिवर्तन होंगे अपन वो देखेंगे कि जब हम इन समूह ऊपर से नीचे चलते हैं तो इनके भौतिक गुणों में किस प्रकार के क्रमिक परिवर्तन पाए जाते हैं। ठीक, वो अपन अगले वीडियो में देखेंगे।